चंद्र ग्रहण का क्या असर है, क्या प्रकोप है, उसी का असर आपको दिखाने की कोशिश में करता हूँ। आप देखिए इधर नंदी बैल है, उसको पूरी तरीके से ढक दिया है कपड़े से, और जो श्रद्धालु है वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन भगवान का दूर से ही दर्शन कर रहे हैं। दूर से ही गेट के बाहर ताला लगा दिया गया है, और जितने भी यहाँ पे भगवान की प्रतिमाएं हैं उन सभी भगवान की प्रतिमाओं को कपड़े से ढक दिया गया है। इस चंद्र ग्रहण का कैसा असर है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस हटकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी बताइए कि चंद्र ग्रहण के लिए क्या क्या तैयारी की गई है। देखिए, पुरातन समय से आ रहा है कि चंद्र ग्रहण में भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ अपनी ऐसी व्यवस्था की कि कार्तिक पूर्णिमा का जो है पर्व का जो है उल्लास लोग मना भी लें, और साथ ही साथ भगवान का दर्शन भी हो जाए दूर से जिसमें स्पर्श ना हो, और यह आत्मिक स्पर्श दर्शन कहा जाए वही हम करवाने जा रहे हैं, जिसमें सही प्रतिमाओं में जो है हमने जो है वस्त्र ढक दिया है, और मुख्य मंदिर में जो है जालीदार कॉटन का जो है कपड़ा लगा दिए हैं, कि कहा जाता है कि भगवान की आत्मिक स्पर्श दर्शन करने के लिए एक कपड़े की आड़ होनी अनिवार्य है, इसलिए हमने यह व्यवस्था भक्तों के लिए किया। क्या ऐसी मान्यता है जिसके लिए कपड़े से ढका जाता है? जी, ये ऐसा है, भौगोलिक विडम्बना है, ये भौगोलिक विडम्बना है। देखिए क्या होता है, आज हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो उस समस्या से जूझने के लिए हम कई प्रकार की उपाय करते हैं, है ना, उसी प्रकार क्या है ये भौगोलिक विडम्बना है। इस पे क्या है, चंद्र को जो है राहु ग्रह ग्रसित करता है, देवों की शक्ति जो है भी छिन्न होता है कुछ समय के लिए, जो है घंटा सवा घंटा पौन घंटे के लिए जो देवताओं की शक्ति जो है छिन्न होने की भय रहती है, या दिव्य शक्तियां जो है थोड़ा निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए इसमें एक प्रथा है कि इससे बचाने के लिए देवताओं को हमारा जो है धर्म इन प्रथाओं को अपनाती है। महाराज ये बताइए मुझे कि कितने समय से बंद किया गया है और कितने समय के बाद भगवान के दर्शन होंगे? देखिए, सुबह हम लोग आरती किए, आरती करने के बाद सीएम साहब आए थे भूपेश बघेल जी, उनका भी पूजा अभिषेक हुआ, और भीड़ को देखते हुए हमने यह व्यवस्था किया। हम 4:30 बजे लगभग 4 बजे से हमने मंदिर बंद करके रखा है, जिसमें पब्लिक भक्तों को जो है भक्तगणों को बाहर से ही दर्शन करा पा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय अगर हमारे पास अगर सूतक का समय अगर तक हम दर्शन अगर कराना चाहते थे तो व्यवस्था हम नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने शुरू से ही 4 बजे से जो है दर्शन बाहर से ही करवा रहे हैं भक्तगणों को। अब कितने बजे श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन होंगे ये बता दीजिए। ये देखिए, श्रद्धालुओं को दर्शन होगा, जल चढ़ाना है, भगवान का श्रृंगार दर्शन करना है, तो 6:19 में जो है चंद्र ग्रहण का मोक्ष होगा, उसके बाद भगवान को गंगा जल सींचा जाएगा और पूरी मंदिर की सफाई होगी, श्रृंगार होगी, फिर दर्शन होगा भगवान। देखिए कैसे चंद्र ग्रहण का असर रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर नाथ मंदिर में देखने को मिल रहा है। सभी मूर्तियों को ढक दिया गया है, भगवान को कोई सीधे अपने हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ना ही जल चढ़ा पा रहे हैं, और इधर देखिए लगातार जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर दूर से ही भगवान हटकेश्वर नाथ के दर्शन करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन कोई भी अंदर जाके भगवान को स्पर्श करके दर्शन नहीं कर पा रहे। कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण इससे पहले सूर्य ग्रहण था तब भी मंदिरों के कपाट ऐसे बंद किए गए थे। और दीदी क्या नाम है आपका? कुछ कहेंगे? नहीं। आपका क्या नाम है भैया? रंजीत मेहता। चंद्र ग्रहण लगा है, आज भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सूतक पहले से लग जाता है ना, इसलिए भगवान का पूजा नहीं किया जाता है, और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद भगवान को नहला धुला के तभी पूजा किया जाता है। लोगों को इसको कितना मानने की जरूरत पड़ती है क्या, क्योंकि कई लोग कहते हैं, लोग नहीं मानते हैं, कई लोग मानते हैं, और एक्चुअली तो मानना चाहिए, क्योंकि ये छूत में गिनती आता है ना, सूत लग जाता है, इसलिए कहते हैं। आप चरण स्पर्श नहीं करते? नहीं नहीं, दूर से प्रणाम कर लेते, अब आए हैं तो बस। इधर की तस्वीरों में आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए श्रद्धालु, आज कार्तिक पूर्णिमा का भी छत्तीसगढ़ में त्यौहार है, महादेव घाट में बड़ा मेला लगता है, इसी मेले के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं,
और भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन आज भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। कुछ और दीदी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है दीदी? वर्षा। यहाँ भगवान के दर्शन हुए क्या? नहीं, अभी तो बंद है सब। देखिए, कुछ श्रद्धालु बातचीत कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि आज भगवान के कपाट बंद है, इसीलिए भगवान के पास जाके, नज़दीक जाके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल अब सभी श्रद्धालुओं को एक समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, वो है 6:19। उसके बाद ही मंदिर की साफ़ सफाई होगी, मंदिर में जल अभिषेक किया जाएगा, पंडित यहाँ जो हैं वो इसकी पूरी तैयारी करेंगे, उसके बाद ही श्रद्धालु भगवान हटकेश्वर नाथ के दर्शन कर पाएंगे। रायपुर से VP News के लिए रवि मिली।